और ज्योति रंजन के बारे में मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा बाकी तो ज्योति रंजन खुद ही अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि ज्योति रंजन ने फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की है तो ज्योति रंजन इसके लिए भी आपको ढेर सारी बधाई और मैं चाहूंगा कि आपका जो आप ऑनलाइन स्टूडेंट थे तो आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है सक्सेस जर्नी है उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे आप बच्चों को बताइए जी सर जैसे कि सर ने बताया कि मैं फाइनल ईयर आपेयरिंग में हूँ तो पहले से मुझे ये भी पता नहीं था कि निमसेट एक एंट्रेंस भी होता है इनिशियली आई वॉज इंटरेस्टेड फॉर डिफेंस आई वॉज ट्राइंग इन डिफेंस सो मैं डिफेंस के लिए ही रेडी हो रहा था लेकिन कोविड की वजह से कॉलेज कौल, बंद हो गया मुझे ये डर सताने लगा कि अगर डिफेंस में एस एस बी तो बता नहीं सकते कब रिकमेंड होंगे हम तो हम मतलब ऐसे वेट करके नहीं रह सकते तो मुझे हायर स्टडी करना ही था तो तब मुझे पता चला कि क्या करूं हायर स्टडी तो ऐसे ऐसे सोच सोच के मैंने डिसाइड किया कि मुझे एम ही करना है फिर मैंने सर्च करना शुरू किया ऑनलाइन से बाकी तो कैसे कैसे एंट्रेंस होते हैं फिर मुझे पता चला कि नेम एक एंट्रेंस होता है और एन में हम जा सकते हैं उस एंट्रेंस के थ्रू तो इन द प्रेजेंट वर्ल्ड सर एन आई इज जस्ट एक्टिंग लाइक ए ब्रांड सर सो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर नेम फिर मैंने YouTube से पढ़ना शुरू किया मुझे याद है सर आप तभी मैजिकल कैप्सल कोर्स के नाम से 2020 के लिए बच्चों के लिए रह रहे थे वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था सर एकदम से मतलब एग्जाम एक, एक महीना ही था लेकिन आप मतलब बिल्कुल भी स्पीड नहीं पढ़ा रहे थे एकदम बेसिक से पढ़ा रहे थे मुझे आपके पढ़ने पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोच लिया कि आपसे ही पढ़ना है तो अभी ये दिक्कत हो रहा था कि मेरे को मतलब कैसे पढ़ूँ वो सिर्फ मैजिकल कोर्स से तो पढ़ के मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता था तो बस ऐसे रिग्रेट फील होने लगा कि अगर सर ने जो जब कोर्स अपना लॉन्च किया था तो मैं तब ले ले लेता तो अच्छा रहता अब कैसे लूँ कैसे लूँ लेकिन पता नहीं कैसे हुआ ये को हो सकता है या फिर भगवान ने किया जिस दिन मैं ये सोच रहा था उसी दिन शाम को आपने एक सेशन डाला कि आज मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ ब्याच सी के नाम से तो मैंने बस सोच लिया था मैं मुझे लेना ही है पापा से बात की और फटाक से ले लिया बस मैंने ब्याच सी में ज्वाइन हो गया फिर ऑनलाइन में कोर्स करना चालू किया लेकिन तब मेरे कॉलेज को ये बात पसंद नहीं आई तो मेरे कॉलेज भी खुल गया तो मुझे फिफ्थ सेमिस्टर को देना था ऑफलाइन में और निमसेट की भी तैयारी करना था तो मैंने दोनों को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया पहले पहले तो मैं दोनों को इक्वल टाइम से डिवाइड करके पढ़ने लगा लेकिन जब एग्जाम नजदीक आ रहा था तो मैंने अभी निमसेट को बंद कर दिया क्योंकि आप बोल रहे थे कि पहले तो सेमिस्टर को हम देखना पड़ेगा क्योंकि अगर हमारा ग्रेजुएशन बिगड़ गया तो हम निमसेट देने के लायक भी नहीं बचेंगे तो इस चक्कर में, में मेरे एक दो महीने सेमिस्टर की ओर चला गया मैं पूरे नोट कलेक्ट किया उसको पढ़ा उसको समझा फिर एग्जाम के लिए गया फिर जब वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया दो महीने तो चला गया था निमसेट के मतलब सिलेबस से टच छूट गया था फिर मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, फिर आपसे बात करना चाह फिर आपको फोन लगाया सर ऐसे एस ऐसे हुआ है क्या करूं आप बताइए आप, आपने जो रिप्लाई दिया था सर ने जो रिप्लाई दिया था मतलब वो क्या बताऊं अभी सर मैंने पूछा सर फिफ्थ सेमिस्टर है था मैं पढ़ा नहीं हूं कुछ क्या करूं सर ने बोला अगर आपका सेमिस्टर आगे होता तो ये दिक्कत था अभी तो सेमिस्टर खत्म हो गया है अभी पढ़ लो अभी क्या कर रहे हो तो मैंने बोला ठीक है सर पढ़ना शुरू कर दिया फिर से फिर से चल रहा था ठीक ठाक चल रहा था कि मेरा आपके एयरफोर्स कमन एप्टीट्यूड टेस्ट वो मैंने दिया था उसका रिटर्न क्लियर हो गया और उसका ए भी आ गया तो आई जनरली मे ए प्लान बिफोर डूइंग समथिंग सर सो मैंने ये प्लान बनाया था कि मेरे में ट्वेंटी को नेम खत्म हो जाएगा आई विल गेट वन मंथ आफ्टर दैट देन आई विल प्रिपेयर फॉर माई ए एफ इंटरव्यू एंड आई गो टू आट माई एफ इंटरव्यू ऑन फिफ्थ जुलाई ऐसे में प्लान बना के काम करने लगा लेकिन हुआ यह कि निमसेट भी पोस्टमन हो गया निमसेट सेट पोस्टमन हो गया और डेट भी नहीं निकला था तो मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मैं अपने ए एफ की डेट को चेंज कर दूं क्योंकि मुझे निमसेट की डेट के बारे में भी पता नहीं था तो मैं सोचा कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा फिर जैसे जैसे ए एफ इंटरव्यू नज़दीक आता गया मैं वहां पर भी मेरा एक दो महीना ए एफ और चला गया तो ओवरऑली देखे तो मैं सर निमसट के लिए मतलब चार पांच महीना ही मैंने पढ़ा है बस तो ऐसे इस, मैं पढ़ता गया फिर मेरा ए फ इंटरव्यू में गया वहाँ पे स्क्रीनिंग हो गया फिर पाँच दिन वहाँ पे रुकना पड़ा मोबाइल मेरे पास में नहीं था फिर जब निकला मैं जुलाई पाँच को गया था जुलाई दस को जब निकला पहला पहला कॉल मेरे जो घर को किया तो मेरे सिस्टर ने बताया कि भाई तेरा निमसेट का डेट आ गया है जल्दी आ जा मतलब मुझे बहुत डर लगा तब मैं जल्दी से घर आया फिर पढ़ना शुरू किया आ, कुछ पता नहीं चल रहा था कैसे करूं क्या करूं बस सर थे सर बहुत मोटिवेट करते थे फिर मैंने आ, फिर से सर, सर से बात की एक जूम सेशन सर रखते थे तब तो जूम सेशन में मैंने सीधा बोला कि सर मेरा ए एफ एस में इंटरव्यू था आ, सर ने बोला रिजल्ट क्या गया मैंने बोला कि सर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो कोई बात नहीं फिर बोला कि सर याद नहीं आ रहा है कुछ क्या करूं सर ने साफ साफ बोला कि तुम्हारा बस याद सब कुछ है टॉच छूट गया है अगर टच आ गया तो फिर हो जाएगा मैंने मुझे तो लग रहा लग ही रहा था फिर मैंने क्या किया दो तीन दिन के लिए मक को पूरा बंद कर दिया मक टेस्ट एक भी नहीं दिया लेकिन मैंने खुद की मैं हमेशा खुद की नोट बनाता था क्लास देखते देखते तो वे मैंने मे, मे, एक बार वो पूरे नोट को रिवाइज कर दिया फिर वो नोट को रिवाइज करने के बाद फिर से मॉक देना शुरू किया तो मैंने ऐसे टाइम जो लास्ट का एक महीना था मैंने ऐसे बनाया कि सिर्फ मॉक दिया और मॉक का एनालिसिस किया और शाम को फिर से नोट एक एक बार रिवाइज करता था जो आपने जो क्वेश्चन बनाए थे और मेरे साथ ये हो रहा था सर मैं जो इतने सारे प्रेशर थे मेरे ऊपर तो मैंने एक भी लाइव क्लास नहीं किया था तो मैं हर एक क्लास को मतलब रिकॉर्डेड देख के ही खत्म करता था जो आप क्लास खत्म होने के बाद तो मैं ऐसा करता था कि जो क्वेश्चन आप यहाँ पे डिस्कशन करते थे तो वो क्वेश्चन पहले मैं पॉज करके खुद करता था फिर आपका वीडियो देखता था तो मैं इस चक्कर में और मैं हमेशा से मैथ में कॉन्सेप्ट बना के पढ़ता हूँ ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन याद कर लूँ या कुछ और आपने भी तो वही किया बताया था कि हमेशा कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो तो ऐसे ऐसे चलता गया फिर मॉक में मेरे 300 400 आ रहे थे मुझे पता नहीं था मुझे ये डर भी लगने लगा कि मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा तो फिर फिर मैंने सोचा कि अगर डरूंगा तो क्या कर सकता हूँ कुछ मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है तो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा सोचेंगे एग्जाम खत्म हो जाए फिर जो होगा देखा जाएगा तो ऐसे पढ़ता गया फिर आखिरी में जो मॉक आपने दिए सर वो उस मॉक में मेरे सडनली स्कोर 600 700 800 आने लगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा नॉलेज मतलब डेवलप हो गया है कि आपका मतलब मॉक की लेवल इजी कर दिया है तब फिर लगा कि क्या करूं क्या करूं फिर सोचा कि जोगा देखा जाएगा चलो देते हैं मॉक अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो कॉन्फिडेंस भी तो मिल रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ ये, ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए तो मैं ऐसे ही फ्री माइंड में गया एग्जाम सेंटर जाके पहुंच गया अगस्त सेवन को और अगस्त सेवन को जब गया मेरे मेरे हॉल में पूरा मैं एक ही था मतलब एक कैसे हुआ पता नहीं उस हॉल में तीन बंदे थे और तीनों से दो बंदे एबसेंट थे मैं अकेला था तो मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता था बस मैं बैठ गया तो गाना गाने लग गया लिरिक्स गलत थी ट्यूनिक नहीं था वॉयस नहीं था फिर भी कुछ ना कुछ गाने लग रहे बस ऐसे ही प्रेशर खत्म करने के लिए फिर मैंने एग्जाम दिया बस एग्जाम में जो क्वेश्चन गलत मैंने ये गलती की थी एग्जाम में कि जो क्वेश्चन गलत है वहां पे मेरा टाइम लग गया थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन सच में गलत है या फिर निमसेड वालों ने एनआईटी रायपुर ने मतलब हमें टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन को थोड़े घुमा के डाला है ताकि बच्चे गलत करके निकल जाएंगे तो वहां पे मेरा टाइम निकल गया नहीं तो मेरे और भी अच्छे रैंक आ सकते थे सर जो भी है सर मैं खुश सुन सर मैंने चार पांच महीने में जितना कर सकता था मैं कह सर आई आई जस्ट गेट माई बेस्ट सर ज्योति मैंने आपकी आपकी पूरी बात सुनी बड़ी खुशी हुई एक तो बहुत कम समय में एक अच्छी रैंक अचीव की साथ में बीच में एक डिफ्रेंस भी आपके मन में था जी सर और उसके एस एस बी में भी गए ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट और फिर आके कम किया जी और ये आप सभी बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइफ में कभी डरो मत टाइम जितना बचा है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो कितना अच्छा स्मार्ट स्किल के साथ कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट है तो देखिए आपके सामने एक तो घर पर रह के प्रिपरेशन की इतने कम समय में कॉलेज बीच में एस इन सब के बाद भी एक फोर वन वन रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो मैं आपको एक बार फिर से इस रैंक के लिए बधाई दूंगा थैंक यू सर ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर थैंक यू